जमात फौरी असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो बात करें, वरना कोई जरूरत नहीं। इमरान खान का शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की मौजूदगी में बड़ा बयान, कहा बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो आइन टूट जाएगा, आइन टूटा तो फिर जिसका जोर हुआ उसी की बात चलेगी, हम आइन के साथ खड़े हैं। बगावत पर उकसाने के केस में पीटीआई चेयरमैन की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी, अदालत ने 3 मई तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। अम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, तमाम ममालिक से दो तरफा मफादात की बुनियाद पर मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है, मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अम मुमकिन नहीं, भारत ने अगस्त 2019 से कश्मीर को जेल में तब्दील कर रखा है, यकीन दिलाता हूँ मईशत मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, जल्द पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, पाक फिजाइया के शाहीनों की कमाल महारत और जंगी तैयारों की घन घरज, दुश्मन पर है बत्तारी हो गई। पीएएफ असगर खान एकेडमी रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड, लड़ाका तैयारों ने वजीर आजम को सलामी दी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और पास आउट होने वाले कैडेट्स को बैजेस लगाए। साबिक आर्मी चीफ की गुफ्तगू को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया, आईएसपीआर का पाक फौज की जंगी काबिलियत के हवाले से मीडिया बहस पर रद्द अमल, कहा साबिक आर्मी चीफ ने कुछ सहाफियों से पाकिस्तान के चैलेंजेस पर ऑफ द रिकॉर्ड बात की, मुसल्ला फौज ने हमेशा अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी काबिलियत पर फख्र किया, मुसल्ला फौज दिफाए वतन की खातिर हर दम तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन का हम दौरा, डायरेक्टर दफ्तर खारजा उमूर कमीशन वांगी से मुलाकात, दोनों ममालिक का ताल्लुकात मजबूत बनाने का आजम, जनरल आसिम मुनीर ने कहा था दुनिया के हालात जो भी हों पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान को इस साल भी शदीद बारिशों और सैलाब के खतरात का सामना है, अक्वामे मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, ग्लोबल इंफॉर्मेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान शदीद बारिशों के रिस्क का सामना करने वाले 20 ममालिक में शामिल हो चुका है, अफगानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और तुर्की में भी शदीद बारिशों का खतरा।